सो है गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों ये है मेरे पास वन प्लस नोट और आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं इसके लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच में आप लोग को क्या क्या नए फीचर्स मिल जाते हैं। इससे पहले दोस्तों आप लोग को मैं बतला दूं, यहाँ पे बेंचमार्क रिजल्ट और आप लोग के लिए N22S कोड यहाँ पे पहले वाला जो अपडेट है उसमें आप लोग को ये दिखला रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इसका जो स्कोर है इतना है और अपडेट करने के बाद इसमें क्या क्या यहाँ पे बदलाव होता है। और उससे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि कैमरा का जो यहाँ पे वर्सन है वो यहाँ पे वो है, और आप अगर चलते हैं यहाँ पे लॉन्चर में तो इसका भी आप यहाँ पे वर्सन देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में ये अपडेट अभी तक नहीं आया है तो आप क्या कर सकते हैं, लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मैं इसका आप लोग को फाइल का लिंक दे दे रहा हूँ। आप वहाँ से डाउनलोड करके उसको अपने जो है इंटरनल स्टोरेज में आप ला लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि 10.5.9 है, उसके बाद आप यहाँ पर सेटिंग में जाएंगे और उसके बाद आपको लोकल अपडेट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर जो आपने फाइल इंटरनल स्टोरेज में क्लिक किया है उसको यहाँ पर डाल के आप आसानी से इसको जो है 10.5.10 में आप जो है इसको कर सकते हैं। होने के बाद दोस्तों आपका फोन कुछ देर में यहाँ पे रीस्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपका जो है पहला बार जब ये ऑन होता है अपडेट के बाद तो आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट नहीं लगाने के लिए देता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसमें आप लोग को क्या क्या नए फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमारा फोन जो है ये स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे अगर मैं सेटिंग में जाता हूँ और इसका अगर मैं यहाँ पे अबाउट फोन अगर चेक करके आप लोग को दिखलाऊं तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि हमारा फोन जो है वो 10.5.10 में अपडेट हो चुका है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसमें आप लोग को क्या क्या नए फीचर्स इसमें देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं लोकल अपग्रेड में चलता हूँ, और वहाँ पे आप लोग को यहाँ पे जिस अपडेट में क्या क्या यहाँ पे मेंशन है उसको यहाँ पे मैं अभी बतलाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला जो है आप लोग को सिक्योरिटी पैच दिसंबर का मिल जाता है, और इसमें जो बताया गया है वो आपका स्टेबिलिटी जो भी है उसको यहाँ पे ठीक करेंगे, और GMS पैकेज को भी यहाँ पे थोड़ा जो अच्छा यहाँ पे किया गया है। और यहाँ पे जो है OnePlus स्टोर उसमें भी आप लोग को एक नए यहाँ पे एप्लीकेशन देखने के लिए मिलेगा OnePlus स्टोर का। तो यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका एक एप्लीकेशन आ गया है OnePlus स्टोर का। अब यहाँ पे दोस्तों मैं बतला दूं कि यहाँ से आप कोई भी चीज यहाँ पे बाय भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इस एप्लीकेशन को आराम से हटा भी सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों हिडन जो यहाँ पे फीचर्स एड कर दिया गया है ये यहाँ पे मैं आप लोग को इस वीडियो में बता रहा हूँ। आपको यहाँ पे सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद आप अगर यहाँ पे नीचे में जाते हैं और बैटरी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा नियर बाई चार्जिंग स्टेशन का। तो अगर आप इस पे क्लिक करके इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पे ये जो है स्टेशन खोजेगा। अगर आपके पास अगर रेलवे या फिर आप लोग को एयरपोर्ट पे ऐसा कोई सुविधा होगा तो वहां से आप जाके अपने फोन को जो है चार्ज कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे हिडन फीचर्स को जो यहाँ पे ऐड किया गया है वो OnePlus यहाँ पे रोमिंग करके, तो इसका हम लोग को जरूरत नहीं है। हम लोग को यहाँ पे जो है दोनों ही फीचर्स में से कोई यहाँ पे जरूरत नहीं था, हम लोग को स्टोर भी यहाँ पे नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ पे स्टेबिलिटी को यहाँ पे सही किया गया है। अब यहाँ पे मैंने पहले यहाँ पे आप लोग को शो कराया था कि कैमरा का जो वर्सन है वो कितना है, और अभी यहाँ पे वर्सन चेंज हुआ है या फिर नहीं, तो देखेंगे आप 4.1.2.3 है तो ये भी यहाँ पे जो है चेंज नहीं हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ इसके लॉन्चर का अपडेट का, यहाँ पे लेटेस्ट जो वर्सन है वो यहाँ पे चेंज हुआ है कि नहीं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4.7.4 जो कि हमारा जो है 10.5.9 में यही अपडेट जो है पहले से था। अब यहाँ पे हम कुछ यहाँ पे बात करते हैं जो यहाँ पे गीक बेंच और यहाँ पे N22S स्कोर के बारे में कि यहाँ पे जो है बड़ा है या फिर नहीं बड़ा है। तो पहले मैंने जब यहाँ पे गीक बेंच स्कोर को यहाँ पे जो है किया था तो सिंगल कोर में आप लोग को 609 मिलता था, और यहाँ पे डुअल कोर में आप लोग को 1872 यहाँ पे देखने के मिल जाता था। इसके लिए मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट आप लोग को दिखला रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे 10 जब अपडेट ये हमारा हो गया है, अब यहाँ पे मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे कि अब ये 618 हो गया है और 1933 पे आप लोग को ये दिखा रहा है। यहाँ पे दोस्तों मैं एक बार से आप लोग को N22S कार दिखा दूँ तो यहाँ पे देख लीजिए 3,10,548 है, और अभी का जो आप N22S कोर देखेंगे वो भी आप लोग को यहाँ पे सेम ही यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों इसमें आप लोग को कोई भी ज्यादा यहाँ पे नहीं किया गया है। होप गाइस आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।